पूर्णिया के बीकोठी में अपराध प्रभावित गांव मोजमपट्टी में एक बार फिर दो गुटों में खूनी संघर्ष हुआ है। इस वारदात में दो लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दोनों हत्या एक दूसरे के हत्या के प्रतिशोध में किया गया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि मोजमपट्टी का रहने वाला अरुण यादव पेशे से ड्राइवर था, जिसे हथियारबंद अपराधियों ने घेर कर हत्या कर दी। मृतक अरुण यादव कुख्यात बालू यादव गुट का समर्थक बताया जा रहा है। हत्या की खबर जैसे ही बालू यादव गुट को लोगों को पता चला, उन लोगों ने सिसवा गांव में आए बुचन यादव के चचेरे भाई के बेटे रुपेश कुमार की घेर कर गोली मारकर हत्या कर दी। मालूम हो कि अब तक बुचन यादव और बालू यादव के आपसी गैंगवार में दर्जनों लोगों की हत्या हो चुकी है। सारे घटनाक्रम पर वरीय पदाधिकारी नजर बनाए हुए हैं। अभी नवनियुक्त SP दयाशंकर के पदभार ग्रहण के दो दिन भी नहीं हुए हैं और दो दो मर्डर उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। पूर्णिया से सिटी हलचल के लिए विनीत राज की रिपोर्ट। राजघाट ये टेम्पू चालक है, सूचना मिली गोली चल रही, वहाँ गए तो एक आदमी नहीं था, इसको गोली लगा हुआ था। आई टेम्पू पर गए इलाज के लिए लेके भागे यहाँ। अब वहाँ तो गोली मेरे सामने में चला नहीं है, अभी तो दिखाई दे रहा है चार गो। टेम्पू चालक है शायद, अब मामला तो बताया नहीं जा सकता है। टेम्पू चालक है, इसके बारे में हम क्या जानते हैं, इसके बारे में तो कोई पता नहीं है। वो राजघाट में हुई है, राजघाट में वो रघुवंश नगर OP अंतर्गत है राजघाट। हम वहाँ SI हैं। अब तो इसको हम जानते ही नहीं कि कौन है, तब ये किसका परिवार अभी नहीं पता चला है। ये तो जीवित था, इसको लेके वहाँ से भागे कि इलाज हो जाए, बच जाए, सबसे पहला नंबर जी जी। नहीं, अब तो डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं, अब तो डॉक्टर साहब बताए कि मृत्यु हो गया कि जीवित है, इलाजरत है वो। कुछ सपने साकार होते हैं और कुछ सपने खो जाते हैं। हर दिल में एक अपना घर का सपना होता है, जो करते हैं हम साकार। आप कदम तो बढ़ाइए, पनोरमा ग्रुप में आइए।